बैक। तो आज का जो ब्लॉग है ना वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आपको देने वाली हूँ अपने सिंगापुर के घर का होम टूर। ये जो ब्लॉग है मोस्ट अवेटेड ब्लॉग था, मैं कब से कोशिश कर रही थी ये ब्लॉग बनाने का, बट अब जो कि दिवाली है और सब कुछ सेट है तो मैंने सोचा ये बेस्ट टाइम होगा आप सबको ये घर का होम टूर देना। तो ये जो ब्लॉग है ना बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इंडिया से सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं या ऐसा कुछ भी है तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि एक फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट में सिंगापुर में आपको क्या क्या मिलता है, फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आइटम्स हमें दिए गए हैं, प्लस आपको एक ओवरऑल आइडिया आएगा कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट बिल्ड हाउसेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं HDB, ये जो न्यू HDBs हैं ये किस तरह से बनाए गए हैं, काफी मॉडर्न है और इनकी अमेनिटीज भी काफी अच्छी है। तो ये एक 1BHK हाउस है और इस व्लॉग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलेगी वो है ये कि इस घर का रेंट जो है कितना हम पे करते हैं, क्योंकि सिंगापुर वर्ल्ड का कॉस्टलीएस्ट सिटी है, जो कि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रेंटिंग चार्जेस बहुत ज्यादा हाई है। तो इसमें आपको इस ब्लॉग में आपको इसकी भी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए करते हैं अब फाइनली ब्लॉग को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा सिंगापुर का फ्लैट और यहाँ पर बाहर हमें एक ग्रिल डोर दिया गया है आयरन का, ये काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि आज दिवाली का दिन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा डेकोरेशन भी किया है। और ये है हमारा सेकेंड डोर जो कि काफ़ी स्ट्रांग वुडन डोर है। और अब चलते हैं अंदर। तो ये है फाइनली हमारा सिंगापुर का हाउस। जब मैं घर के अंदर आ जाती हूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये है मेरे दो घर के डोर और एक तरफ है यहाँ पर बॉम्ब शेल्टर। ये जो है काफ़ी स्पेशल जगह है जो मैं आपको व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी। और इस तरफ है मेरे घर का किचन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ। ये है मेरा किचन, आप देख सकते हैं यहाँ पर गैस बर्नर है और ये मॉड्यूलर किचन का पूरा सेटअप है। यहाँ पर ऊपर भी स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। और ये जो है हमारे गीले बर्तन जो होते हैं उनको रखने की स्पेस प्रोवाइडेड है। नीचे हमारा सिंक है, जो सिंक है काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पर ना अच्छे से वॉश हो जाते हैं मेरे यूटेंसिल्स। यहाँ पर है वॉशिंग मशीन, इसका जो आउटलेट है पीछे दिया गया है, वहाँ पीछे उसका आउटलेट है और इसका जो कनेक्शन है वो सेम यही स्विच से होता है। तो यहाँ पर है इंडक्शन, ये जो है हम इंडिया से लेके आए थे, इसको भी मैं यूज करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट में किचन में हमें क्या क्या सुविधाएं हमारे ओनर ने दी थी। उन्होंने ये ब्रांड न्यू फ्रिज जो है हमारे लिए लाके रखा था, ये एक डबल डोर का फ्रिज है। उसके बाद गैस बर्नर भी हमारे मांगने पर उन्होंने न्यू हमें परचेज करके दिया था। और ये वॉशिंग मशीन भी बिल्कुल न्यू है जो उन्होंने हमें खरीद के दी थी। जो एक चीज़ यहाँ पर होती है ना, यहाँ पर चिमनी नहीं होती है, उन्होंने बोला कि वी डोंट यूज़ चिमनी, तो हमें चिमनी नहीं मिली है यहाँ पर। इवन यहाँ पर एग्जॉस्ट भी हमें कहीं नहीं दिया गया है, तो ये थोड़ा किचन में दिक्कत हो जाता है। उसके बाद जो ड्राई करने का क्लोथ्स का है वो ऊपर है, ये सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ से पुलिंग सिस्टम है, इसको पुल किया जाता है, ये जो क्लोथ्स का स्टैंड है वो पूरा नीचे आ जाता है और वापस ये ऊपर चला जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर भी हमें क्लोथ्स ड्राइंग का एरिया दिया गया था। अब जो ये डोर आप देख रहे हैं ये एक वॉशरूम का डोर है जो किचन से भी है और उधर बेडरूम से भी है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ हॉल की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा सिटिंग हॉल, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आज दिवाली है तो इसीलिए हमने यहाँ पर डेकोरेशन करके रखी है, फ्लावर रंगोली बनाई है, प्लांट्स हैं और ये रहे हमारे भगवान यहाँ पर जो हमने सिंगापुर में रखे हैं। उसके बाद ये तुलसी जी है मेरी, यहाँ पर लाइट काफ़ी अच्छी आती है तो हमें ना एकदम प्लांट्स को अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये जो इतनी ही लाइट है ना उसी में ये प्लांट्स काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये देख लीजिए एक बुक स्टैंड है और सेंटर टेबल है, उसके बाद यहाँ पर साइड टेबल है और ये एक बहुत अच्छी फोल्डेबल डाइनिंग टेबल है, ये फोल्ड हो जाती है यहाँ से ना, ये पूरी अंदर भी चली जाती है, ये देखिए। तो ये एक जो डाइनिंग टेबल है ये हाफ बन जाती है, यहाँ से अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ये अच्छे से अंदर चली जाएगी और जब आपको रिक्वायरमेंट हो तो ये इधर से ही पूरी बाहर आ जाती है। और ये भी यहाँ पे मूवेबल है एंड यहाँ पे दो चेयर हैं और ये एक टेबल है। तो हॉल में जो फर्नीचर हमें मिला है वो है ये दो सोफ़ा और ये एक टेबल और यहाँ पर ये दो चेयर्स
और ये डाइनिंग टेबल, ये हमें जो है ओनर ने दिए। बाकी जितना भी फर्नीचर है, जैसे ये जो चेयर है, ये जो टेबल है और ये सेंटर टेबल है, ये शेल्फ है, यहाँ पर ये जो टेबल है और जो रग है वो हमारा खुद का है। बाकी जो मेन फर्नीचर था वो सब हमें हमारे ओनर ने दिया था। अच्छा, जो कर्टन स्टैंड है, जो रॉड होती है, वो भी हमारे ओनर ने हमें लगवा के दी थी। उसके अलावा हमने यहाँ पे कर्टन्स जो है वो परचेज किए थे। उसके बाद चलिए मैं आपको लाइट्स दिखाती हूँ। यहाँ पर काफ़ी प्यारी लाइट्स है, जैसे ये है, यहाँ पर ये 3 लाइट्स का सिस्टम है, इसमें 3 शेड्स होते हैं। ये देखिए, अब ये येलो हो गई और ये अब कम वाइट है, तो ऐसे। और इवन फैन में भी यहाँ पर जो है वो लाइट जलती है, ये देखिए, ये फैन में भी लाइट जल गई है। और यहाँ पर एक और अच्छा सिस्टम है कि हर चीज़ ना रिमोट से कंट्रोल होती है। अभी मैं देखिए आपको दिखाती हूँ, लाइट मुझे ऑफ़ करनी है ना, तो मैं रिमोट पे ऑफ़ बटन करूँगी तो लाइट ऑफ हो गई, और ऑन करूँगी तो ये ऑन हो गई। उसी तरह से जो फ़ैन है, फ़ैन की स्पीड भी यहाँ पर रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होती है। जैसे इंडिया में हमारे स्विचेस होते हैं ना, तो ये वैसे नहीं होता है। तो फ़ैन की जो स्पीड है वो भी यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जो लाइट सिस्टम है वो भी देखिए मैंने बंद कर दिया है अभी यहाँ से, और मैंने ऑन कर दिया यहाँ पर। तो ये जो है लाइट्स हैं, जैसे आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, वो भी लाइट्स है, उसमें एक ही शेड है हमारे पास। प्लस यहाँ पर विंडो का सेटअप बहुत अच्छा है, तो विंडो से काफ़ी अच्छी लाइट आती है और खुला खुला भी लगता है। हमारे ओनर ने यहाँ पर ये एसी भी लगवा के दिया, ये भी एकदम ब्रांड न्यू एसी है, क्योंकि यहाँ पर ना सिंगापुर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्होंने हमें 2 एसी लगवा के दिए हैं। एक ये है और एक बेडरूम है। तो इस डोर के पीछे है बेडरूम, और सबसे पहले मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं बेडरूम में। तो चलिए मैं आपको किचन से ही वॉशरूम लेके चलती हूँ। यहाँ पर ये फोल्डेबल गेट है, इस तरह से ये पूरा फोल्ड हो जाता है ऐसे, और अब हम चलते हैं वॉशरूम देखने। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये है बाथिंग एरिया जहाँ पर हैंड शावर विद गीजर है। ये भी ओनर ने लगवा के दिया था हमें। यहाँ पर ये सिस्टम है हैंड शावर का विद गीजर। उसके बाद ये जो फर्नीचर है ना, ये हमारा खुद का है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कुछ हैंगिंग के लिए नहीं थे, तो हमने ये स्टिक्स लगाए थे। और यहाँ पर ये विंडो है, और अगेन यहाँ पर एग्जॉस्ट नहीं है। पता नहीं यहाँ पर सिंगापुर में इन्होंने हमें बोला कि हम लोग एग्जॉस्ट नहीं लगवाते हैं, तो जैसे किचन में एग्जॉस्ट नहीं है तो बाथरूम में भी नहीं है। उसके बाद ये है मिरर, आप देख सकते हैं मुझे। और ये है बेसिन एरिया यहाँ पर, और ये है कमोड। हम इंडियन पीपल, वी डोंट यूज टिश्यू, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये खुद से फिक्स किया है, नहीं तो आपको अक्सर ये घरों में नहीं मिलते हैं, टिश्यू का ही सिस्टम होता है। तो ये है यहाँ पर वॉशरूम, जो कि काफ़ी स्पेशियस है हमें लगता है, और सही है। यहाँ पर भी आप लाइट देख सकते हैं, इस तरह की होती है, और फिटिंग्स काफ़ी इंटैक्ट होती है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी ना, वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया में ऐसे नहीं होता है कि यहाँ पर ये पाइप्स के सिंबल इन्होंने हमें दिए हैं, कि कभी अगर किसी को ड्रिलिंग करवानी हो तो उसको पता हो कि पीछे 3 पाइप्स निकल रहे हैं, 1, 2, 3। तो जहाँ पर भी फिटिंग्स के पीछे पाइप है ना, ये स्टिकर्स लगे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंडिकेशन जा रहा है कि यहाँ पर ये पाइप ऐसे गए और फिर ये इस तरह से ऊपर आए। किचन में ना यहाँ पर गैस पाइप का कनेक्शन भी है, जो कि कुछ यहाँ से आता है, बट ये जो है ओनर का न्यू फ्लैट था तो उन्होंने नहीं लगवाया, तो पर हमें सिलेंडर मिला है यहाँ पर। ये रहा हमारा सिलेंडर, और सिलेंडर का सिस्टम बहुत अच्छा है। अब जब भी आपका सिलेंडर खत्म हो, आपको बस कॉल करना है और विद इन 45 मिनट्स आपको सिलेंडर यहाँ पर डिलीवर हो जाता है, अच्छे से वो फिक्स करके जाते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे गैस का ये सिलेंडर। चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे बेडरूम में। तो ये है हमारा प्यारा सा बेडरूम। तो यहाँ पर आते ही एक बेड है यहाँ पर, और बेड के बगल में ही यहाँ पर एक साइड टेबल है। पीछे ये काफ़ी अच्छा मिरर है, अटैच्ड है वॉल से, और मुझे काफ़ी पसंद है। हेलो, यहाँ से पूरा व्यू आपको दिख जाता है। तो यहाँ बेडरूम पे ये जो बेड है, साइड टेबल है और मिरर, तो ये सब हमें ओनर ने ही दिया था। और ये एक टेबल है जो अटैच्ड है वॉल से ही, और उसके ऊपर ये काफ़ी बड़ा स्टोरेज स्पेस है, ये भी अगेन अटैच्ड है। और यहाँ पर भी काफ़ी सारा सा ये स्टोरेज स्पेस है, पूरा ये एरिया है जो कि हमें दिया गया है, और ये सब हमें फ्लैट से ही मिला था। यहाँ पर भी कर्टन रॉड थी, हमने कर्टन्स परचेज किए थे अपने लिए। और यहाँ विंडो से ना व्यू बहुत अच्छा आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं बादल आ रखे हैं, कुछ ही टाइम पर यहाँ पर बारिश होने वाली है।
तो ये देखिए ये व्यू है पूरा, विंडो से काफी अच्छा व्यू आता है, लाइट की कोई कमी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे एसी है, ये भी एकदम न्यू है। ये वही वॉशरूम का स्लाइड का डोर है, एडजस्टेबल। और यहाँ पर भी हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल है जिससे हम लाइट्स को स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर भी लाइट्स के तीन शेड होते हैं, तो ये है तीन लाइट्स के शेड। और फाइनली ये है मेरा बेडरूम। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफी क्यूट सा प्लांट रखा हुआ है जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। लास्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे आपको दिखानी है ना, जिसे बोलते हैं बॉम्ब शेल्टर, जिसे काफी टाइम तक हमें लग रहा था कि ये एक स्टोर रूम है, तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो ये है यहाँ पर बॉम्ब शेल्टर। तो एक्चुअली इसका पर्पस क्या है ना, कि इसे क्यों बनवाया गया है ना गवर्नमेंट बिल्ड हाउसेस में, कि अगर कभी वॉर सिचुएशन होगी और कभी ऐसा हुआ कि बमबाजी हुई, गोला बारूद डाले गए, तो जो लोग यहाँ पे इस घर में रह रहे हैं उनको तुरंत इसके अंदर जाना है और अपने आप को यहाँ से लॉक कर देना है। ये देखिए जो इसके डोर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़े अजीब सा एक लॉकिंग सिस्टम है। यहाँ पर इस तरह से नीचे भी है और ऊपर भी है यहाँ पर, तो हमें जो है अंदर जाना है और अपने आप को लॉक कर देना है यहाँ पर। ये देखिए तो ये है इस घर का बॉम्ब शेल्टर, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा और यूनिक आइडिया लगा है बाय गवर्नमेंट, कि अपने सिटीजन्स को सेव करने के लिए उसने ये बॉम्ब शेल्टर बनाया है कि अगर कोई वॉर सिचुएशन होगी तो आपको इसके अंदर जाना है। और कहते हैं कि ये इस पूरे फ्लैट का और इस पूरी बिल्डिंग का सबसे मजबूत एरिया है। यहाँ पर दो इस तरह से एग्जॉस्ट भी दिए गए हैं, जिसमें से लिखा गया है कि हमें केवल एक ही ओपन करके रखना है और एक क्लोज करना है। ये देखिए सिविल डिफेंस रेडीनेस इज योर ओनली प्रोटेक्शन, नॉर्मल मोड, सिविल डिफेंस मोड। तो यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं इंग्लिश में, चाइनीज में, तमिल में। और ये देखिए एक ओपन है यहाँ पर और एक जो है क्लोज है। तो ये इस फ्लैट का सबसे मजबूत एरिया है, तो अगर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो वी हैव टू गेट इनसाइड। तो फिलहाल तो हम इसे एक स्टोर की तरह यूज कर रहे हैं और सब लोग इसे एक स्टोर की तरह ही यूज करते हैं, भगवान ना करे ऐसी कभी सिचुएशन आए। तो ये है बॉम्ब शेल्टर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा फ्लैट अच्छा लगा है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है अपना फ्लैट। और अब बारी है इसका रेंट डिस्क्लोज करने की। तो इसका जो रेंट है वो है 2700 सिंगापुर डॉलर, यानी 1,70,000 रुपीज पर मंथ। तो अब आपको पता चला कि सिंगापुर को क्यों कहा जाता है वर्ल्ड का कॉस्टलीस्ट सिटी। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, रेड बटन पे जाइए उसे क्लिक कर दीजिए। अगर और भी क्वेश्चन है सिंगापुर में, किस तरह से घर मिलता है, कैसे मतलब आप करते हैं हाउस हंटिंग, तो आप कमेंट्स नीचे लिख सकते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे शेयर भी जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से ये ब्लॉग बनाया है आपके लिए, तो प्लीज लाइक भी करिएगा। और एंड स्क्रीन पे आपको और भी व्लॉग्स दिखेंगे जो मैंने बनाए हैं इंडिया के घरों का, मेरे इंडिया के घर का भी व्लॉग आपको एंड स्क्रीन पे दिखेगा, तो आप जाके जरूर से देखिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, आज है हैप्पी दिवाली, तो व्लॉग लेट आएगा तो हो चुकी होगी दिवाली, बट फिर भी आप सबको हैप्पी दिवाली, टेक केयर, बाय बाय।